नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पहुंच चुके हैं शकुरपुर में, जहां हमने कल आपको कवरेज दिखाया था, पूरा कवरेज दिखाया था। शानू वाल्मीकि को बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से जो मारा गया था, उसका शव पोस्टमार्टम करा के और जबरन पोस्टमार्टम हुआ या पता नहीं, ये सब प्रशासन जानता है। चलिए, पोस्टमार्टम होके शानू वाल्मीकि के शव को ला चुके हैं और यहाँ देखिए बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, ये देखिए। और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी माताएं बहनें, पूरा शकुरपुर यहाँ पर देखे खड़ा हुआ है, परिवार वालों के साथ में है, दुख में शरीक है। और ये देखिए पूरा परिवार शकुरपुर सभी यहाँ पर सम्मिलित है, ये देखिए। तो आगे का जायजा हम आपको दिखाते जाएंगे, शमशान भूमि तक हम जाएंगे। शानू वाल्मीकि का शव जो पोस्टमार्टम कराकर वो लाया गया है घर पर, ये देखिए, ये देखिए। ये स्टेशन ले लेना भैया, स्टेशन ले लो, खींच लो स्टेशन। परिवार वालों का रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। जो दीप शानू वाल्मीकि के जो भाई हैं वो रो रो कर बड़ा बुरा हाल है उनका, उनकी माता है, उनकी बहन, ये देखिए। अब ये उसको लेकर, शानू वाल्मीकि के शव को लेकर जा रहे हैं शमशान घाट में। जवान लड़का, एक 24 साल का युवा, हट्टा कट्टा युवा था शानू वाल्मीकि, और उसको बड़ी बेदर्दी से बड़ा मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। पूरा शकुरपुर यहाँ पर जमा है, ये देखिए। अभी हम आपको आगे का जायजा दिखाते जाएंगे। ये है भगवान वाल्मीकि मंदिर जे ब्लॉक। ये शानू वाल्मीकि को शमशान घाट में उसके शव को ले जाया जा रहा है, ये देखिए।
हजारों की तादाद में लोग हैं। SHO साहब भी साथ में हैं, दो दो थाने से आए हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कोई दंगा ना हो, कोई हताहत ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, कम से कम हजारों वाल्मीकि लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और वाल्मीकि ही नहीं जो अदर बिरादरी है वो भी यहाँ पे सभी साथ में हैं, इकट्ठा हैं, और शानू वाल्मीकि के दुख में शरीक है, उनके परिवार के दुख में शरीक हैं। बहुत दूर तक ये कतार लगी हुई है, काफ़ी दूर तक, कम से कम आधा किलोमीटर तक ये भीड़ है। शानू वाल्मीकि के शव को जो दाह संस्कार के लिए रखा जा रहा है वहाँ पर, उसके सभी लकड़ियाँ अपने अपने नाम से वहाँ पर देते हैं, ये हिंदू रीति रिवाज है। मगर गौर करने की बात ये है कि इन्होंने जो शव को लिया है, 4 दिन आज हो चुके हैं, ये 8 तारीख का ये मामला है, आज 4 दिन हो चुके हैं। सोचने की बात ये है, इन लोगों ने, परिवार वालों ने मजबूरन इस शव को लेना पड़ा, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से इन पर आ गया था, पुलिस का भी प्रेशर था, समाज का भी प्रेशर था। और ये देखने की बात है कि समाज के जितने भी वाल्मीकि समाज के, देखिए मैं वाल्मीकि समाज की ज़्यादातर न्यूज़ दिखा दिखा के इनको समझ चुका हूँ, देखने की बात यह है कि इनके लिए कोई भी सामाजिक संगठन नहीं खड़ा हुआ। कोई भी, जितने ये कहते हैं हम समाज में ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी वहाँ पकड़ है, हम इतने मंच चलाते हैं, इतने दलित संगठन चलाते हैं, वाल्मीकि वीर सेना, ये सेना, वो सेना, अरे वो कहाँ चले गए सभी? ये देखिए, ये परिवार वाले बेचारे, इनको कानूनी ज्ञान नहीं है, और इसी वजह से इन्होंने अपने शानू वाल्मीकि का इन्होंने शव लेना पड़ा, और उसको आज दाह संस्कार के लिए वो यहाँ पर ले आए। और कोई भी अफरा तफरी कुछ नहीं है, माहौल एकदम सम्मिलित में है, मतलब अच्छा है, शांतिपूर्ण माहौल है, और अच्छी तरीके से शानू वाल्मीकि को दाह संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। मगर वाल्मीकि समाज के जितने भी दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, ये कहते हैं हम इतने बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के लिए हम लड़ेंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे, अरे आज को कहाँ है? जब समाज में आप बैठोगे ही नहीं, जब उनके दुख दर्द को नहीं जानोगे, तो आपको कौन जानेगा? कौन आपको वोट देगा? कौन आपको कुर्सियों पर बिठाएगा? इसलिए हमेशा स्वर्ण जाति ही आप पर राज करती है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद अपने समाज के नहीं हो, अपने परिवार के नहीं हो। जी कड़वा बोलूँगा क्योंकि दिल में दर्द है, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। आप शानू वाल्मीकि के शव को जो दाह संस्कार के लिए रखा जा रहा है वहाँ पर, उसके सभी लकड़ियाँ अपने अपने नाम से वहाँ पर देते हैं, ये हिंदू रीति रिवाज है। मगर गौर करने की बात ये है कि इन्होंने जो शव को लिया है, 4 दिन आज हो चुके हैं, ये 8 तारीख का ये मामला है, आज 4 दिन हो चुके हैं। सोचने की बात ये है, इन लोगों ने, परिवार वालों ने मजबूरन इस शव को लेना पड़ा, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से इन पर आ गया था, पुलिस का भी प्रेशर था, समाज का भी प्रेशर था। और ये देखने की बात है कि समाज के जितने भी वाल्मीकि समाज के, देखिए मैं वाल्मीकि समाज की ज़्यादातर न्यूज़ दिखा दिखा के इनको समझ चुका हूँ, देखने की बात ये है कि इनके लिए कोई भी सामाजिक संगठन नहीं खड़ा हुआ। कोई भी, जितने ये कहते हैं हम समाज में ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी वहाँ पकड़ है, हम इतने मंच चलाते हैं, इतने दलित संगठन चलाते हैं, वाल्मीकि वीर सेना, ये सेना, वो सेना, अरे वो कहाँ चले गए सभी? ये देखिए, ये परिवार वाले बेचारे, इनको कानूनी ज्ञान नहीं है, और इसी वजह से इन्होंने अपने शानू वाल्मीकि का इन्होंने शव लेना पड़ा, और उसको आज दाह संस्कार के लिए वो यहाँ पर ले आए। और कोई भी अफरा तफरी कुछ नहीं है, माहौल एकदम सम्मिलित में है, मतलब अच्छा है, शांतिपूर्ण माहौल है, और अच्छी तरीके से शानू वाल्मीकि को दाह संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। मगर वाल्मीकि समाज के जितने भी दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, ये कहते हैं हम इतने बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के लिए हम लड़ेंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे, अरे आज को कहाँ है? जब समाज में आप बैठोगे ही नहीं, जब उनके दुख दर्द को नहीं जानोगे, तो आपको कौन जानेगा? कौन आपको वोट देगा? कौन आपको कुर्सियों पर बिठाएगा? इसलिए हमेशा स्वर्ण जाति ही आप पर राज करती है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद अपने समाज के नहीं हो, अपने परिवार के नहीं हो। जी कड़वा बोलूँगा क्योंकि दिल में दर्द है, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। आप